Hello and welcome back to Happy Life Blogs. Hope you all are doing well. हम भी अच्छे हैं। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये 31st नाइट में हम जो पार्टी करके घर वापस आए तो घर पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे और सोते सोते 4। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे सुबह उठ के तैयार होके ब्रेकफास्ट करते करते हमें 10 बज गए। और फिर क्योंकि सांबा दशमी था तो नॉनवेज नहीं बन सकता था तो नॉर्मल सा कुकिंग मैंने किया था, रायस्ता और एक नॉर्मल सा कौरी। हर कम्युनिटी में एक रूम होता है जहाँ पर आप इस तरह से पुराने कपड़े डोनेशन के लिए दे सकते हैं, तो ये सब मैंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया था तो हस्बैंड जाकर रख के आ गए। प्लास्टिक बोतल्स के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ होगा PANT पेंट, और कितना क्रोनर आपको मिलेगा वो भी लिखा हुआ होगा। तो इस तरह के बॉटल्स को आप क्रश मत कीजिएगा, वैसे का वैसा ही आपको लेकर वेंडिंग मशीन में या फिर बॉटल डिस्पोजल मशीन में डाल देना है। बहुत सारे बॉटल हैं तो ले जाकर दे देना ही सही रहता है क्योंकि वो सेफ डिस्पोजल होता है। ये आइका सुपर मार्केट में आप इस तरह से अपने जो पेट चार बोतल और केन से उनको वेंडिंग मशीन में दे सकते हैं और कुछ पैसे भी इसके मिल जाते हैं। वैसे तो हम कम्युनिटी रूम में ही नॉर्मली रख देते हैं, बट एक बार बेटे को मैंने सिखाने के लिए ये सब दे दिया था क्योंकि सुपरमार्केट जा रहे थे सामान लाने के लिए, तो जाकर डिस्पोज करके आ गए। और ये 2nd जनवरी, क्योंकि 1st जनवरी को हमने नॉनवेज नहीं खाया था तो बेटे की डिमांड थी कि मुझे चिकन राइस चाहिए, तो ये 2nd जनवरी को हमारा जो घर वाला न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो हमने किया। जितना भी बाहर जाकर खाकर आ जाओ, बेटे को घर का बना खाना ही पसंद है और उसकी डिमांड है चिकन राइस, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता तो उसको बहुत पसंद आता है। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। देखते ही इवनिंग हो गया, एक प्यारा सा मूवी देख कर उठते उठते फिर रात भी होने लगी। यहाँ तो 3 बजे ही अंधेरा सा हो जाता है, तो अब पाव भाजी बनाने की बारी। रात को भी अच्छा सा एक खाना बनना चाहिए ना, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें। पाव भाजी के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से ऑयल में, यानी 1 टेबलस्पून ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डालकर जीरा को तड़कने देती हूँ, और फिर जितना भी आपका मनपसंद का सब्जी है आप डाल सकते हैं। वैसे तो कॉर्न नहीं डालते, पर मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न्स भी डाल दिए हैं, आलू, गोभी, मटर, टमाटो, गाजर, बीन्स, जो भी मेरे पास सब्जियाँ थी मैंने सब डाल दी। आप इसे थोड़ा सा सोटे कर लेंगे ताकि जो गोभी के रॉ स्मेल है वो चले जाए, और फिर अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाए टमाटर। उसके बाद हम पानी देकर, पानी ज़्यादा नहीं, 1/2 कप या फिर थोड़ा 3/4 कप ही डालना है, सब्जियों में से भी पानी निकलेगा, और 3-4 सीटी लगाकर इसे ठंडा होने के लिए हम अलग रख देंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सोटे करके पानी देकर नॉर्मल कढ़ाई में भी कुकिंग कर सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में करने से थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब इसे अपने आप खुलने देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च ले लिए हैं, सब चॉप करके अलग रख दिया है। इसी कुकर में मैं बनाऊंगी, तो इसे आराम से खोलने देते हैं। जैसे ही आपका कुकर का ढक्कन खोल ले, हम थोड़ा सा
सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। आप ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं, पर क्योंकि ये सारे गरम गरम हैं तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा मैश करके इसे अलग से बर्तन में निकाल के रख दूंगी। कुछ इस तरह से मैंने निकाला है सब। इसे और भी मैश करेंगे। पाव भाजी का जो भाजी होता है वो एकदम प्यूरी जैसा ही दिखता है। कुकिंग करते करते और भी मैश हो जाएगा। अभी फिर से उसी कुकर में मैंने, आप पॉट में भी या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टेबलस्पून बटर डालकर थोड़ा सा गर्म किया और फिर जिंजर गार्लिक और चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाला। थोड़ा सा उसे सोटे करके फिर मैंने प्याज दे दिया है। प्याज को पूरा सॉफ्ट होने देंगे और फिर ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम डालकर हमें तब तक भूनना है जब तक कि कैप्सिकम थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 स्पून टमाटो पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं, हमने सब्जियों में भी डाला है टमाटर, उस हिसाब से डालिएगा। और मैं यहाँ पर MDS का पाव भाजी मसाला ले रही हूँ, इसे हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं पाव भाजी मसाला। थोड़ा सा सोटे करने के बाद जैसे ऑयल अलग हो जाए तो हम इसमें हमारा जो वेजिटेबल है मैश करके हमने रखा है उसे डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तरी वाला आपको भाजी चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे। अब यहाँ से आप 15 से 20 मिनट तक इसको कुक करते जाएंगे। जितना आप कुक करेंगे उतना गाढ़ा होगा। अगर आप इसमें बीट रूट मिक्स करते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है। अगर चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी दे सकते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं दिया है। आप अपने तीखेपन के अनुसार मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर का भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब 15 मिनट अच्छे से कुक होने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके मिक्स किया है। अब इसे और भी कुक करेंगे, पूरा थिक हो जाएगा। तब हम लास्ट में बटर थोड़ा सा देंगे 1 टेबलस्पून के करीब और फिर से हम मिक्स करेंगे। पाव भाजी बिना बटर के अच्छा नहीं लगता, इसलिए जितना हो सके खुल के बटर यूज कीजिए। इस तरह का हेवी खाना हम रेगुलर तो नहीं खाते, तो कभी कभी के लिए चलता है। लीजिए, तैयार है पाव भाजी। अब मेरे पास पाव तो नहीं है, इसलिए जो बन आते हैं बर्गर बन, मैं उसको यहाँ पर भाजी के साथ खाने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर लिया और उसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और 1 चुटकी रेड चिल्ली पाउडर मिक्स करके गरम कर लिया और बर्गर बन को इस तरह से मैं सेक लूँगी। एक ही साइड में सेकूँगी, अगर आप चाहें तो दोनों साइड भी सेक सकते हैं। और लीजिए, तैयार है हमारा पाव भाजी। ये 2 जनवरी को मैंने बनाया था, घर का न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। अब इसे खाते वक्त हमें प्याज और नींबू की भी जरूरत पड़ेगी। इजीली आप इस तरह के पाव भाजी घर में बना सकते हैं और किसी भी दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे तो जो भी स्ट्रीट फूड है घर का हेल्दी बनता है, पर बाहर खाने का एक अलग सा मजा होता है। फ्रेंड्स के साथ जब हम स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है।
पर फिर भी अपने आप को समझाने के लिए इस तरह की चीजें घर पर भी बना लेनी चाहिए। और ये बेटे का प्यारा सा रिएक्शन देखकर मेरा तो दिन बन गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय।